हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर दो। बहुत ही सिंपल है, फटाफट से आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर, कौन सा है जो वेक्टर है? स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम। स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम। बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है? स्केलर। क्यों है स्केलर? क्योंकि इसमें ओनली क्या पाया जाता है? मोड, मैग्नीट्यूड। मोड बोलो, मैग्नीट्यूड बोलो। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगी। मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। ठीक, तो वेक्टर क्या हो गया? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगा। मास क्या है? इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है। और टाइम क्या है? ये भी एक तरह का मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होती टाइम की। समझ में आ गया? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ होती है। ठीक है, साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करते चलेंगे। ठीक, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर होगा आपका बी, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेक्टर नॉट चेंज इफ, कोई भी वेक्टर है वो चेंज नहीं होगा इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल। अगर किसी भी वेक्टर को किसी एंगल से रोटेट कर दे तो क्या वेक्टर चेंज नहीं होगा? दूसरा, इट इज मल्टीप्लाई बाई एन आर्बिट्री स्केल, किसी स्केल से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वेक्टर चेंज नहीं होगा? इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाई एनी वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे। या फिर फोर्थ ऑप्शन, इट इज स्लाइट पैरेलल टू इटसेल्फ। आपको बताना है कब वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो देखो, इट इज रोटेटेड थ्रू आर्बिट्री एंगल। अगर यहां पर देखो कोई भी ए वेक्टर है, ओके, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन है। अब मैंने इस वेक्टर को, ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, तो मैंने कहा कि ये जो बी वेक्टर है इसकी रेस्पेक्ट में ए का एंगल क्या है? 90 डिग्री। फिर मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए को किसी एंगल से क्या किया, घुमा दिया। ये था, अब इसको मैंने ऐसे अलाइन कर दिया, तो क्या ये चेंज होगा? वेक्टर तो चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता। इट इज़ मल्टीप्लाई बाई आर्बिट्री स्केल, किसी से मल्टीप्लाई कर दे तो चेंज होगा या नहीं होगा? हमसे तो नॉट चेंज पूछा है, तो ये भी गलत, क्योंकि वेक्टर क्या होता है? कोई भी, मान लो मैंने बोला ए वेक्टर है, तो उसमें क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, कोई कोई मैग्नीट्यूड होगा और कोई इसकी डायरेक्शन भी होगी। मतलब इसमें अगर मैं किसी टू या थ्री किसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर बदल जाएगा, तो हमारा ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इट इज़ क्रॉस मल्टीप्लाई बाई एनी वैक्टर, किसी दूसरे मल्टी वैक्टर के साथ ए क्रॉस बी, मान लो दो वैक्टर थे कर दें तो क्या ये चेंज नहीं होगा?
चेंज होगा ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है, तो भी चेंज हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं रहा। नेक्स्ट, इट इज़ स्लाइडेड पैरेलल टू इट्सेल्फ, सही बात है, अगर हम वेक्टर को स्लाइड कर दें तो ये क्या होगा, चेंज नहीं हुआ, ठीक है, जैसे ए वेक्टर था इस तरह से, अब इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट करके इधर नीचे इस तरह से ला सकता हूँ, ठीक है, कोई भी वेक्टर इस तरह से है, ये कोई बी वेक्टर है, ये कोई ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके हम किस तरह से ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता, समझ गए, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट गिवन बिलो आर रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ थ्री वेक्टर एडिंग टू जीरो, तीन वेक्टर हैं जिनके ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर जो हो क्या आ जाए, जीरो। तो देखो इस केस में क्या करते हैं कि अगर हमें मैग्नीट्यूड जीरो करना है तो उस वेक्टर का आर मिनिमम और आर मैक्सिमम निकाल लेंगे, आर मिनिमम एंड आर मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या होगी, आर जो मिनिमम होगी वो क्या हो जाएगी, ए माइनस बी, और मैक्सिमम आर जो हो जाएगी ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अगर हमें रिजल्टेंट जीरो करना होगा तो दो छोटे वेक्टर को ऐड करें, अगर उनका रिजल्टेंट बड़े वाले से बड़ा या उसके बराबर आ जाए तो जीरो हो जाएगा, दोनों छोटे छोटे वाले वेक्टर को ऐड करेंगे, और अगर उनका रिजल्टेंट छोटे छोटे का रिजल्टेंट बड़े वाले से बड़े या उसके बराबर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो पहले में देखो, फर्स्ट में 2 प्लस 4 किया 6 आया, क्या 6 बड़ा है 8 से, नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 4, 6 की 4, 8, 16, तो देखो दो छोटे छोटे वेक्टर को ऐड करो 12 हो जाएगा, 4 प्लस 8 कितना हो गया 12, क्या ये 16 से बड़ा है या उसके बराबर है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल। नेक्स्ट, दो छोटे छोटे 1 और 1 छोटा छोटा है, 2, 2 क्या 2 के बराबर है, बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन तो सही है, तो आंसर तो हमारा ये होगा। इसे चेक करो, दो छोटे छोटे ऐड किए 3, बड़े वाले से बराबर या फिर बड़ा होना चाहिए, तो ये तो छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकालना है इन्हें, समझ में आ गया। चलो बाय बाय टाइप कर दो, बाय बाय मतलब सर आगे बढ़ो, ठीक है, ओके। अब मुझे एक इक्वेशन दी है, वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हो तो क्या होगा, ये मीनिंगलेस है, इट मे बी पॉसिबल फॉर अनलिमिटेड वैल्यू ऑफ ए, ऑलवेज ट्रू या ट्रू ओनली व्हेन ए इज जीरो, जल्दी बताओ कब ये बात सही होगी। तो देखो ए प्लस ए मीनिंगलेस, ये तो गलत, इट में भी अनलिमिटेड वैल्यू ऑफ ए गलत, ऑलवेज ट्रू गलत, ट्रू ओनली ओनली व्हेन ए इक्वल्स टू जीरो, जब ए बराबर जीरो होगा किसी जीरो वेक्टर में, जीरो वेक्टर में ऐड करेंगे जीरो वेक्टर को, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो आने वाला है, तो जब ए जीरो होगा तभी ये बात ट्रू होगी, समझ में आ गया।
समझ में आ गया, चमका के नहीं चमका। आगे बढ़े बच्चों। ठीक, मुझको बताओ, ये दे रखा है, इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस का बी, देन वेक्टर बी मस्ट बी क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर या फिर इक्वल वेक्टर? जल्दी बताओ। अगर ए प्लस बी वेक्टर जो है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो क्या होना चाहिए? तो वी वेक्टर जो होना चाहिए मस्ट भी जीरो होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3 एंड 4 इज 5 है, द एंगल बिटवीन द फोर्स इज, तो फोर्स के बीच वाला एंगल क्या होगा? तो रिजल्टेंट फोर्स का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2AB cos थीटा। ठीक है, अब क्या बोला है? द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर 3 एंड 4 इज 5 है, द एंगल बिटवीन द फोर्स इज, तो रिजल्टेंट कितना है? 5 है। दोनों वेक्टर कितने हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 4 इंटू 3 cos थीटा। थीटा हमसे पूछा है, एंगल क्या है ये पूछा है, तो हम स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर प्लस का 24, जाती है 12 बन 24 कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया? 25 इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 16 प्लस का 24 कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया? 25 माइनस 25 इक्वल्स टू 24 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? 24 कॉस थीटा, इधर देखो, तो ये हो जाएगा 24 कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू किसकी वैल्यू होती है? जीरो, कॉस 90, कॉस 90, तो थीटा से थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है? ये जो एंगल होगा 3 वेक्टर एंड 4 वेक्टर के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। इस तरह से ये रहा 4 वेक्टर, ये रहा 3 वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। जब क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर कितना आने वाला है आपका? 5। समझ में आ गया? तो ये होगा 90 डिग्री, ये डिग्री लिखा है, ये जो है वो डिग्री लिखा है। ठीक है, ये जीरो कुछ भी नहीं, डिग्री डिग्री डिग्री। तो समझ में आ गया, दो वेक्टर और उनका रिजल्टेंट 5 हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड या नन ऑफ दीज। क्या बोला है? कोई भी वेक्टर है, देखो इस तरह से एक कार्टेशियन प्लेन, इसमें कोई मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा, इसके कंपोनेंट है
इधर ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा। क्या ए कॉस थीटा हमेशा लेस देन रहेगा? कोई भी कंपोनेंट है वो ऑलवेज लेस देन लिख रहा है, तो ये बात हो गई गलत। हमेशा नहीं होगा, ज़्यादा भी हो सकता है। क्या ऑलवेज ग्रेटर देन होगा? गलत बात, कभी ज़्यादा तो होगा ही नहीं, बराबर हो सकता है। इज इक्वल्स टू इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज लिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर हमारा कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड को डॉट से। एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ साइड में, इस तरफ नॉर्थ साइड में है, और ये ऊपर है, कुछ ऊपर इस तरह से उठा हुआ। ठीक है, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज क्या होगा? तो देखो कैसे निकालेंगे इसके, अपना जो राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। फर्स्ट वेक्टर की तरफ लेके जाओ, तो ए वेक्टर किधर है? अपवर्ड, तो अपना हाथ कर लो ऊपर की तरफ। सेकंड वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां घुमाओ नीचे की तरफ, क्योंकि सामने है नॉर्थ, आपके सामने होगा नॉर्थ, आपके सामने होगा, उंगलियां घुमाओ। तो जिधर आपका थंब आएगा, थंब आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, जब आप करेंगे तो थंब इधर आएगा। तो इधर कौन सा डायरेक्शन है? इधर इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपने अपना थंब किधर पाया? वेस्ट की तरफ। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग वेस्ट, अलोंग वेस्ट। समझ में आ गया? राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। आगे चलें। द रेडियस ऑफ सर्कल इज स्टेटेड एज 2.12 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है, इट्स एरिया शुड बी रिटन एज। तो बताओ इसका एरिया कैसे लिखा जाएगा? सर्कल है, तो सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आंसर सेंटीमीटर में है, तो हमें बदलने की भी जरूरत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं इसे? 22/7 इंटू आर कितना हो गया? 2.12 का स्क्वायर, और इधर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे 3.14 भी लिख सकते हैं, 3.14 इंटू इसे 2.12 इंटू इसे 2.12 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? करो इनटू, जल्दी से करो। बताओ कितना आ जाएगा? तो ये 14.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या मिल जाएगा आपको? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन टू
विच अ वेक्टर कैन बी रिजॉल्व, किसी भी वेक्टर को कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, मैक्सिमम, तो ये हो सकते हैं इनफाइनाइट। किसी भी वेक्टर को हम इनफाइनाइट नंबर में रिजॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो एनी नंबर ठीक। क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कोई भी ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, ए वी कॉस थीटा, और थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना दिया है, 90 डिग्री बोला है, परपेंडिकुलर है, तो रख दो वैल्यू, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आया, ए वी कॉस 90, और हमें पता है कॉस 90 कितना होता है, बच्चा लोग जल्दी से टाइप करो कितना होता है, ये होता है 0। तो यहाँ से ए डॉट बी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आ गया, 0। समझ में आ गया, तो आंसर हो गया आपका पहला 0 ठीक। आगे चले, क्या बोल रहा है, अ फोर्स 16 न्यूटन एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, तो वही रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला लिखो, फटाफट टाइप करो, R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। समझ में आया ठीक। तो यहाँ पर रिजल्टेंट पूछा है, तो R इक्वल्स टू, और थीटा हमें पता है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो कॉस 90 रखेंगे, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब 90 रखेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा पूरा, ये बचेगा, तो R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। तो यहाँ से R इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 16 इंटू 16 कितना होगा, 256 होता है, और 6400, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6 और ये हो गया 5 6 6, लगभग इतना आ रहा है क्या, बताओ कौन सा ऑप्शन है, जल्दी बोलो। तो यहाँ पर लगभग 100 के बराबर आ जाएगा ठीक, कैलकुलेट कर लेना। क्या बोला है, अ सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब बाय यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस हैं, उनका अलग अलग ओरिएंटेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, द वैल्यू ऑफ अ स्केलर, अ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा किसी भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम की, ओरिएंटेशन पर क्या बात डिपेंड नहीं करेगी, वैल्यू ऑफ स्केलर, अ वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर ठीक। आगे बात करें, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स,
बहुत सारे वेक्टर हैं जिनका एक्स कंपोनेंट के बारे में बात की गई है, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। सबके एक्स कंपोनेंट के सम के बराबर होगा, मे बी स्मॉलर देन द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, जितने भी वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड से क्या कम होगा या बराबर होगा, या फिर मे बी इक्वल्स टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। तो मे वर्ड लिखा है, ये पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगर यहीं पर ऑलवेज वर्ड लिख जाता, ये जो मे लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर अगर ये लिख देते ऑलवेज तो आंसर कुछ और हो जाता, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है, मे बी पॉसिबल है ये चीज़ या फिर ऑलवेज है। तो मे बी स्मॉलर हो सकता है, लार्जर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू प्यारे बच्चों, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई क्या है करते रहिए, ठीक ठीक है ना प्यारे बच्चों। जल्दी कमेंट करके बता दो, जल्दी कमेंट करके बता दो कैसा लगा। बाय बाय।